पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर बंगाल के प्राइवेट बस चालकों ने की किराए में वृद्धि की मांग। बीजेपी की हार का कारण बढ़ती महंगाई, बोले जयराम ठाकुर। पीएम मोदी बुधवार को टीकाकरण की स्थिति पर करेंगे समीक्षा बैठक। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता इस सीजन में पहली बार रेड जोन में पहुंची। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे, आदि शंकराचार्य की समाधि का करेंगे उद्घाटन। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी की सीट हुई 217, बीजेपी 77 से 75 सीट पर खिसकी। जम्मू कश्मीर में रात में 8 से 10 बजे के बीच केवल ग्रीन पटाखे बजाने की होगी अनुमति। अरविंदर सिंह बनाएंगे नई पार्टी, नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। काबुल में हुआ धमाका, 19 लोगों की हुई मौत, 50 घायल। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट, कुल 14 लोगों के नाम है शामिल।